हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ड्राइंग लेटरिंग से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्राइंग लेटर से संबंधित सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज ड्राइंग लेटर्स के बारे में बात करेंगे। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो हम लोग सभी लोग ऐसे ही नॉर्मल ए बी सी डी लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ड्राइंग लेटरिंग में इनका कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसे आप नहीं खींच सकते, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। 26 में आपके 22 जो लेटर्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो होता है 7:4, ठीक है। और जो आपको चार लेटर्स आपके जो बच रहे हैं उनका जो रेशियो होता है वो आता है स्टैंडर्ड रेशियो होता है। उनका जो रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो में आता है, और वो कौन कौन से लेटर हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो आता है आई होता है, सेकंड जो होता है जे होता है, थर्ड होता है एम, और लास्ट जो होता है वो डब्लू, ठीक है। आई का जो रेशियो आपको मिलेगा 7:1, जे का जो रेशियो होता है 7:3, एम का रेशियो जो होता है 7:5, एंड जो डब्ल्यू का रेशियो जो होता है 7:6 एंड 7:5 दोनों ही होता है, ठीक है ना। आप जो ये रेशियो देख रहे हैं 7:5, सॉरी मैंने नहीं लिखा, 7:5, ठीक है। आप जो ये रेशियो दे रहे हैं देख रहे हैं, इसमें जो 7 है ये आपकी हाइट है, और ये 1 देख रहे हैं जो आपकी विड्थ है, ठीक है ना, हाइट और विड्थ, ठीक है। 7 आपकी हाइट और जो 1 है ये आपकी विड्थ मतलब मोटाई, ठीक है। और डब्ल्यू में जो आप बात कर रहे हैं 7:6 है, 7:6 और 7:5, ठीक है। तो 7:6 जो ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं खुला हुआ, वो 7:6 है, क्योंकि ये बाहर के थोड़ा सा फैला हुआ होता है। और जो डब्ल्यू का नीचे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंदर सुकड़ा हुआ होता है, तो ये इसका जो रेशियो होता है 7:5 होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो लेटर्स में हम लिखते हैं इनके लिखने के लिए हम जो पेंसिल यूज करते हैं वो पेंसिल होती है हमारी HB पेंसिल, ठीक है। HB पेंसिल होती है। और अगर हम इसकी जो बात करें ये बेस लाइन की, तो ये बेस लाइन जो हम खींचते हैं ये 2H पेंसिल से खींचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेस लाइन जो हमारी होती है बहुत ही हल्की होती है, थिन होती है, इसलिए हम जो पेंसिल यूज करते हैं वो 2H पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी बेसिक नॉलेज थी, ठीक है, जो मोस्टली लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग लेटर्स के स्टाइल्स के बारे में, कितने प्रकार के स्टाइल्स होते हैं। कंप्यूटर में तो काफी स्टाइल्स होते हैं, तरह तरह के स्टाइल्स आते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा संभव नहीं है, और ना ही हम इसको यूज कर सकते हैं। इनके रूल रेगुलेशन है जैसे मैंने पहले भी बोला, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ड्राइंग लेटर्स के स्टाइल्स के बारे में। तो मेनली यहाँ पे 4 स्टाइल्स आपको मिलेंगे, 4 स्टाइल मिलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है रोमन स्टाइल। सेकेंड जो होता है आपका गोथिक। थर्ड जो आपका होता है इटैलिक। एंड फोर्थ जो होता है आपका टेक्स्ट, ठीक है। रोमन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रोमन जो नॉर्मल राइटिंग करते हैं वो आपकी आती है रोमन के अंतर्गत, नॉर्मल राइटिंग जो होगी रोमन के अंतर्गत। गोथिक, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, जैसा सब जानते, थिक का मतलब मोटा, ठीक है ना। गोथिक के अंदर क्या होता है, जो भी लेटर्स बनेंगे, जैसे मान ली मैंने ए बनाया, ठीक है ना, ये नॉर्मल राइटिंग मेरी, और अगर इसको हम थोड़ा सा मोटा कर दें, ये मोटा हो गया, तो ये किसके अंतर्गत हो गया, गोथिक के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंसर क्वेश्चन आपको दे दिया, ऑप्शन दे दिया है, चार्ट अलग अलग टाइप के, जैसे एक ये ए बना दिया, ये दूसरा ए बना दिया, इससे हल्का ए बना दिया इस तरह से, और तीसरा जो बना, चौथा जो आपको बनाया वो इससे भी हल्का कर दिया, तो आपसे पूछेगा गोथिक का, गोथिक स्टाइल में ड्राइंग लेटर्स में गोथिक स्टाइल का कौन सा अच्छा है, तो आपको आंसर देना है ये मोटा वाला, सबसे मोटा जो होगा वो आपका गोथिक के अंदर गायता आएगा, ठीक है। इटैलिक और आप नोट कर ली, इटैलिक का जो इंक्लाइन भी बोला जाता है, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है ना, इटैलिक को इंक्लाइन भी बोल सकते हैं। तो इंक्लाइन और इटैलिक में क्या आएगा, आपको आंसर अच्छा जो मिलेंगे वो तिरछे मिलेंगे, ठीक है ना, तिरछा मिलेगा, तिरछा लिखा हुआ इस टाइप से, थोड़ा सा झुका हुआ नीचे, ठीक है। और टेक्स्ट के अंतर्गत जो भी अलग से आपकी तरह तरह की स्टाइल आती है वो आपकी टेक्स्ट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जानते हैं कि आखिर हमारे क्या क्या मेथड होते हैं लेटरिंग के, क्या क्या मेथड होते हैं वो भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे मेनली 2 मेथड होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी।
टाइप ए में आपको दो मेथड मिल जाते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। इसी तरह आपको टाइप बी में भी दो मेथड मिलेंगे, सेम स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है ड्राइंग लेटर्स में मेनली कितने मेथड होते हैं। अगर आपसे पूछा है मेनली कितने मेथड होते हैं, मेनली अगर पूछ रहा है आपसे, तो आपको आंसर देना है दो, ठीक है। मेनली के लिए आपको आंसर देना है दो, ठीक है। अगर आपसे पूछा टोटल कितने मेथड होते हैं, तो आपको आंसर देना है चार, ठीक है। टोटल के लिए चार आंसर देना है, और मेनली के लिए दो आंसर होता है देना है, ठीक है। क्योंकि मेनली हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अगर टोटल में फोर होते हैं, टाइप ए में दो और टाइप बी में तो टोटल चार हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक आपके होते हैं तीन चार तरह के, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, एंड इंक्लाइंड। इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक में आपको लेटर जो बनाना है एक ही बार में बनाना है, जैसे मैंने पेंसिल रखा एक बार ये हुआ, फिर ये एंड फिर ये, ठीक है। आपको पेंसिल दोबारा से ऊपर उसके ऊपर नहीं चलाना है, ना ही बीच में पेंसिल को रोकना है, ठीक है। तो आपका ये जो भी लेटर आएगा, ये सिंगल स्ट्रोक जो ए मैंने ये बनाया, अगर मान लीजिए मैं बी बनाता हूँ, तो बी को मैंने यहाँ पॉइंट रखा सीधे एक बार में, मैंने लाइन खींची जितना बड़ा मुझे बी चाहिए, ठीक है। ये मेरा हो गया। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद मैंने इसका सेंटर निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से रख के इसे थोड़ा सा राउंड करूंगा, ये हुआ। फिर से मैं इसको मिला दूंगा ये, ठीक है। देखा आपने, मैंने जहां भी एक बार से पेंसिल रखी डायरेक्ट मैंने एक ही स्ट्रोक में बनाया, ठीक है। तो इसको होते हैं, बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। डबल स्ट्रोक में आपको सेम है आप, बट इसमें अंतर ये होता है कि आप इसके ऊपर दोबारा से ओवर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इंक्लाइंड की बात करें, तो इंक्लाइंड में आपको सिंगल एंड डबल दोनों मिलते हैं, सिंगल एंड डबल, डबल स्ट्रोक दोनों मिल जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, बट ये जो लेटर्स लिखते हैं वो थोड़ा सा तिरछे में लिखते हैं, ठीक है ना, तिरछा लिखते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की ओर थोड़ा सा झुका हुआ लिखते हैं बस, और कोई बाकी इसमें दोनों ही आ जाते, सिंगल और डबल स्ट्रोक दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये झुका हुआ बन रहा था, कितना झुका हुआ हम बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बेस लाइन खींची, अब मैं इसमें टेल बनाता हूँ, ठीक है। ए मैंने जो ये बनाया, ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेगा इंक्लाइंड में जो अक्षर बनाते हैं वो कितना हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री झुका हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है 75 डिग्री, ठीक है। अगर ये आपसे पूछ ले रहा है कि वर्टिकल से कितना डिग्री झुका हुआ होता है, तो आपको आंसर देना है 15 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री है और वर्टिकल से 15 डिग्री, इंक्लाइंड में जो लेटर्स बनाते हैं वो झुके हुए बनाते हैं, 75 हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल 15 से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आखिर जी जो लेटर्स हम बनाते हैं इनके बीच प्रॉपर कितना स्पेस होना चाहिए, और एक लेटर से दूसरे लेटर्स के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, और एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स के बीच कितना प्रॉपर स्पेस हमको देना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो स्पेस पहले मैं टाइप ए के बारे में बताऊंगा, टाइप ए, ठीक है। टाइप ए मैंने जैसे पीछे पीछे पिछले पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। टाइप ए के मुताबिक आप अगर देखें तो स्पेस बिटवीन टू लाइन, स्पेस बिटवीन टू लाइंस, तो इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि जितना जो स्पेस है, जैसे मैंने ये बनाया, ये लाइन बनाई, ठीक है, इसमें मैंने ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन आती है मेरी, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो मेरा जो ये स्पेस आ रहा है आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है मेरा, ये स्पेस जो है ये कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं फॉर्मूला होता है, तो आप नोट करिए, स्पेस बिटवीन टू लाइन टाइप ए के लिए 10/14 × H, ठीक है। ये ए टाइप का स्पेस बिटवीन टू लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, स्पेस बिटवीन
टू लेटर्स, टाइप ए में स्पेस बिटवीन टू लेटर्स के बारे में बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2/14 × H, ठीक है, आप ये नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे जरूर बनेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसके जो कैसे जानेंगे स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा इंडिया, INDIA, ठीक है, तो ये जो स्पेस है आई से एन के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस जो देख रहे हैं आप, ये स्पेस जो देख रहे हैं, ये स्पेस कितना है, इसको निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है ना, स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इंडिया, इंडिया इज, ठीक है, इंडिया इज, तो इंडिया और इज के बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये भी स्पेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी नोट करिए आप, 6/14 × H, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूले देखे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं याद रखते हैं तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रफ करता हूँ। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आखिर स्पेस की में एक लेटर्स की जो विड्थ रखते हैं, हाइट मैंने बताई 7:4 एंड विड्थ बताई मैंने 7:, पीछे मैंने जो बताया 22 लेटर्स की जो रेशियो था 7:1 है, तो सारे लेटर्स का तो एक नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आई बनाया, ठीक है, इसका देखिए, इसका जो विड्थ देखिए, और इसी लिए मैंने ए बना दिया, तो इसका विड्थ देखिए, इसका विड्थ क्या है, आई का ये है इतना, और ए का जो विड्थ हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किस लेटर का क्या रेशियो, क्या विड्थ होती है और क्या हाइट होती है, ठीक है ना, कैसे पता करेंगे, ठीक है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप भी सेम टेबल बनाइए और इसको जरूर से जरूर नोट करिए, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, हाइट ऑफ लेटर इसको एच से डिनोट करेंगे, ये एच, ठीक है, विड्थ ऑफ लेटर इसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, एंड लाइन थिकनेस ऑफ लेटर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, लाइन थिकनेस ऑफ लेटर इसको डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। आप भी ये टेबल बना लीजिए, ठीक है, ये आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। तो BIS के अनुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हाइट ऑफ लेटर्स रखी गई है 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 एंड 20, ठीक है, ये इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती है, किसी भी लेटर्स की हाइट जो है इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आप इधर आ जाइए, विड्थ ऑफ लेटर्स, ठीक है, विड्थ ऑफ लेटर्स के अगर हम बात करें तो विड्थ ऑफ लेटर्स किस तरह निकालेंगे, एन डी होगा उसका थिकनेस, ठीक है, यहाँ पे मैं लेटर लिखूंगा, ये हो गया सीरियल नंबर आपका 1, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 12, ठीक है। तो ये एक टेबल हो गई आपकी, लेटर्स में आपको मिलेगा, सबसे पहले इसमें फार्मूला क्या है, सिंपली इसके आगे डी लगा दीजिए, 1D, 5D, 6D, 7D एंड 8D, और ये 9D एंड लास्ट हो गया 12D, ठीक है। तो आपको डी कहाँ से मिलेगा वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। लेटर्स में फर्स्ट लेटर में आपको हो गया आई, इसमें आएगा जे एंड एल, इसमें जाएगा CEF, इसको छोड़ दीजिए, इसमें आएगा X, Y,
एंड ए, एक्स वाई क्यू ए, और एक और हो गया वी, ठीक है। और जो 9 नंबर में आएगा इसमें एम आएगा, और 12 में डब्ल्यू, ठीक है। 12 में जो हो गया आपका डब्ल्यू, जो आपका इसमें जो फॉर्मूला है जो नोट करना है, ठीक है। टाइप ए के लिए आप जो फॉर्मूला है वो नोट करिए। टाइप ए के लिए जो है डी बराबर, डी या जो आपको निकालना है डी बराबर h/14, ठीक है। लाइन थिकनेस आपको जो डी की, टाइप ए के लेटर्स की थिकनेस निकालनी है वो है डी बराबर h/14, ठीक है। और टाइप बी के जो आप नोट करें डी बराबर h/10, ठीक है। क्योंकि आप पीछे देख चुके हैं कि जो 10 नीचे बेस में 10 आ रहा है वो टाइप बी का है, और बेस में जो 14 आ रहा है वो टाइप ए का है, ठीक है। ये आपकी हाइट ऑफ लेटर, विड्थ ऑफ लेटर एंड लाइन थिकनेस ऑफ लेटर्स हो गई, ठीक है। ये आपको डी कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं रफ करूंगा, आप ये नोट कर लीजिए। डी जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिए जैसे कि आपको निकालना है 7 mm, 7 mm का थिकनेस का एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो डी विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू, टाइप ए का लेटर्स है 7 है जो साइज, तो आपका टाइप ए में ही होगा क्योंकि 14 जो है 7 से ही कटेगा, तो इसलिए रखेंगे h/7/14। तो आपको जो थिकनेस आएगी 0.5, तो आपको जो पेंसिल यूज करनी है कितनी है थिकनेस की, निडल जो होगा उसका कितना थिकनेस होगा, 0.5 होगा, ठीक है। थैंक यू।